राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की टीम श्री नंदलाल मीणा, प्रागपुरा वाले समाज सेवी व प्रदेश अध्यक्ष एसटी विंग निखिल मीणा, यूथ विंग के सचिव जगराम केशवा, जोरवाल मीणा में अन्य साथियों के साथ गोपालपुरा, मंजुपता, ब्रह्मपुरा, संजनपुरी, सैमला आदि गांव का दौरा व जन संवादन किया। उसमें आम आदमी पार्टी के रीति नीति व केजरीवाल जी के कार्यों की चर्चा हुई। सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित में टोपी व पार्टी का दुपट्टा पहना कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण गांव के गांव कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस से आम जन दुखी है, उन्होंने झूठ के अलावा कोई काम नहीं किया। यह इसे देखकर नंदलाल मीणा प्रागपुरा वाले समाज सेवी प्रदेश अध्यक्ष की टीम को पूरा विश्वास हो गया है कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा आम आदमी पार्टी की झोली में जा रही है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का सबसे मजबूत संगठन बना है। मीडिया प्रभारी प्रवक्ता शरद मिश्रा जी के अनुसार केशवा, जोरवाल मीणा, पिन्ना वाले श्री नंदलाल मीणा, प्रागपुरा वाले समाज सेवी व प्रदेश अध्यक्ष एसटी विंग विंग व ब्लॉक अध्यक्ष रुद्दार खान पीनान के साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता से संवाद किया। सभी को नमस्कार। आज विलेज कमेटी बनाने की इस कड़ी में हम ये गांव सदनपुरी ग्राम पंचायत कौन सा जी नगर पालिका। ये अब नगर पालिका में है, पहले असमपुर था। तो अभी यहाँ चुनाव लिखने भी है और हम यहाँ गांव वालों के बीच में आए हैं, केजरीवाल जी के कामों से अवगत कराए हैं। सब लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बड़े बूढ़ों की पेंशन, माता बहनों का सम्मान, वो काम उन्होंने दिल्ली में बखूबी किया है, अब पंजाब में कर रहे हैं। और जनता ये चाहती है कि जो काम वहाँ हो रहे हैं वो हमारे यहाँ राजस्थान में भी हो। और दोनों पार्टियों की क्योंकि मोनोपोली थी, एक बार तू और एक बार मैं, इसलिए जनता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, किसी ने वोट किया किसी ने नहीं किया। लेकिन एक ही जवाब मिलता कि हम किसी गाँव गए थे जी, हमारा तो फोन ही काट देते हैं एमएलए साहब और बेटे कुछ कहते हैं। तो इस तरह की राजनीति, हल्की राजनीति चल रही है, जनता त्रस्त है। तो हमने इनको कामों से अवगत कराया, अब की बात जनता का मन है परिवर्तन का, बदलाव चाहिए राजस्थान में। और ये एक मौका मिला है कि जो केजरीवाल जी जैसे एक आदर्श व्यक्ति जो यूपीएससी सेलेक्ट हैं, जिन्होंने करके दिखाया है शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों के क्षेत्र में जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, देश में नहीं विदेशों में चर्चा है। मैं खुद वहाँ दिल्ली में से रिटायर हुआ हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि विदेशी राष्ट्रपति आया था अमेरिका का, उनकी मैसेज खुद वहाँ दिल्ली की स्कूलों में घूम रही थी, देख रही थी किसने किया क्या है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, सजनपुरी गांव के बच्चों को यहाँ एक ऐसी स्कूल मिले जो अच्छी अच्छी प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे, वो बच्चे पढ़े लिखे घर पे ही, वो भी फ्री, और पढ़ लिख कर नौकरी लगे, रोजगार मिले, ताकि यहाँ लोगों का, आम जनता का भविष्य सुधर सके। धन्यवाद। मैं नंदलाल मीणा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष एसटी विंग। जय।